बहुत सारे खतरों के साथ खेलने वाली हूँ, किसी को देखती हूँ वो चैलेंजेस करते हुए, सो बहुत प्राउड फीलिंग होती है. सो आई वांट टू कम बैक एंड बी वेरी प्राउड ऑन मी ऑल्सो. बचपन से कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है. मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, उनके बारे में जितना भी बोलो उतना कम है. तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन ज़्यादा करेगा कौन कम करेगा. जो बेचारा कुछ बोलता नहीं है उसकी भी बोलती निकलने वाली है. मैं एक्चुअली प्रतीक को पहले से जानती हूँ. पहले उस शो में हम बहुत लड़ते थे. वी हैड अ वेरी टॉम एंड जेरी इक्वेशन. आई थिंक ही हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ फॉर हिम बिकॉज ही इज अ वेरी 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 स्वीट पर्सन. मेरी ग्रिलिंग होने वाली है वहाँ पे. सो देर इज नो चिलिंग, देर इज ओनली ग्रिलिंग. सो हाई, आई एम चेता पांडे एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी इन फर्स्ट इंडिया टेली. फर्स्टली वेलकम टू फर्स्ट इंडिया डेली चेतना. थैंक यू. कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूंगी. खतरों में आप जा रही है और खतरों से खेलने के लिए कितना एक्साइटमेंट है क्या बताना चाहेंगी? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे खतरों के साथ खेलने वाली हूँ. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द शोज, मेरा फेवरेट रियलिटी शो है. और हमेशा से शायद अगर मैं कोई रियलिटी शो करना चाहती थी तो वो यही रियलिटी शो था. बिकॉज जब मैं किसी को देखती हूँ वो चैलेंजेस करते हुए सो बहुत प्राउड फीलिंग होती है. सो आई वांट टू कम बैक एंड बी वेरी प्राउड ऑन मी ऑल्सो कि मैंने मेरी जर्नी कैसी रही है. सो वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके, जानना चाहूँगी कौन सा ऐसा खतरा है जिससे मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डरी हुई? मेरा काफ़ी सारे हैं एक्चुअली, सबकी लाइफ में होते हैं. पर बचपन से कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है, तो वो फियर तो डेफिनेटली कॉन्कर होने वाला है. बिकॉज कॉकरोचेस आर गोना बी माय बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक दे गोइंग टू बी ऑल ओवर मी. बट पानी का भी थोड़ा सा फियर है बिकॉज आई हैड एन इंसिडेंट वेयर आई वाज ऑलमोस्ट ड्राउंड शूटिंग फॉर समथिंग. सो वो भी एक मेमोरी है दिमाग में. सो आई थिंक वो भी कॉन्कर होने वाला है. और बहुत सारी नई चीज़ें पता चलने वाली है अपने बारे में जो आज तक शायद एक्सपीरियंस नहीं किया. आई हैव नेवर स्ट्रेच्ड माय लिमिट्स. सो बहुत कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग. ओके, प्रीवियस सीजन को कितना फॉलो किया था आपने? आई हैव वॉच्ड कम्प्लीटली द प्रीवियस सीजन टू अंडरस्टैंड कि क्या है शो का फॉर्मेट. बट बहुत ही ब्यूटीफुल शो है. लाइक व्हेन यू कम टूवर्ड्स द एंड एंड व्हेन यू सी एवरीवन्स जर्नी, इट इज सच अ प्राउड जर्नी. कौन सा ऐसा सीजन जो सबसे ज्यादा पसंद आया हो या फिर कौन सा ऐसा प्लेयर जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है? मैंने ना लास्ट टू देखे हैं और मुझे लास्ट ईयर का जो सीजन था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है. बिकॉज एवरीबडी वॉज वेरी वेरी गुड. एंड लास्ट सीजन में आई रियली लाइक्ड सना मकबूल, शी वॉज सो गुड. आई रियली एंजॉयड हर जर्नी एंड अर्जुन जर्नी, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. उसकी भी जर्नी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी लास्ट ईयर. क्या बताना चाहेंगे रोहित शेट्टी सर के बारे में? मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, उनके बारे में जितना भी बोलो उतना कम है. आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट ह्यूमन बींग. एंड मोर ओवर देन दैट, उनका जो फोटे है, फाइनली आई एम गोना बी डूइंग एक्शंस एंड ऑल द स्टंट्स इन फ्रंट ऑफ हिम. सो वो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड आई एम ओनली गोना फॉलो व्हाट ही हैज़ टू से, हिज गाइडेंस, सो दैट आई कैन गो अहेड इन द शो. It's like very important for me to come back winning because this is for my father. So I'm gonna go all out for this one. Okay, what do you think best entertainer कौन होने वाला है इस season? Best entertainer, बहुत सारे लोग different उससे आए हैं. So I think overall बहुत entertaining होने वाला है. सब आपको एक अलग जोन में entertain करने वाले हैं. So अभी बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन ज़्यादा करेगा कौन कम करेगा आप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे. बिकॉज आपको ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा कि जो बेचारा कुछ बोलता नहीं है उसकी भी बोलती निकलने वाली है. सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शो है. कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए. जब आप देखेंगे तो आपको बहुत नई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलने वाली है. जितने भी प्लेयर्स हैं क्या बोलना चाहेंगे, किसके साथ पर्सनल बॉन्डिंग है या फिर किसको पहले से आप जानती हैं? मैं एक्चुअली प्रतीक को पहले से जानती हूँ बिकॉज वी हैव डन अ रियलिटी शो बिफोर एंड ही एंड मी वी शेयर अ वेरी डिफरेंट बॉन्ड. पहले उस शो में हम बहुत लड़ते थे. वी हैड अ वेरी टॉम एंड जेरी इक्वेशन. बट ऑफकोर्स बाहर निकले फिर वो एक जर्नी, आप जब किसी के साथ रहते हो तो वो बहुत स्पेशल होता है. सो आई थिंक ही हैज़ अ वेरी स्पेशल
place in my life for him because he's a very 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 sweet person. So I think mera uske saath bahut different bond hai. I know Rajiv also. He was the first one to call me, hey fellow contestant. So I think uske saath bhi bahut cool equation hai. And actually this is the show jahan pe aap sabse dosti karke aate ho because yahan pe koi negativity nahi hai. Aap compete kar rahe ho but it's a good competition. It's a very healthy competition because eventually aap mein jitni strength hai aap utna hi aage jaate ho. It's all your will power. किसी की वजह से आप पीछे नहीं जाते. सो आई थिंक सबके साथ दोस्ती होने वाली है. आई एम गोना कम बैक, होपफुली आई हैव 14 न्यू फ्रेंड्स. सबसे ज्यादा ये टफ कंपटीशन किससे लग रहा है? सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन तो मैं खुद की हूँ बिकॉज आई वांट टू बी द बिगेस्ट कंपटीशन टू माय ओन सेल्फ एंड आई एम गोना कम बैक with all my fears. I'm gonna kill my fears and I'm gonna come back stronger. So yeah. Okay. अगर रोहित सर की बात की जाए, उनकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी है आपको? सबसे अच्छी मूवी उनकी गोलमाल सीरीज इज ब्रिलियंट बट बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिलवाले फॉर मी दैट मूवी इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू हैविंग एवरीबडी अराउंड मी. And you know, I've always dreamt about being in a situation like this. So, वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिलवाले मेरे लिए बहुत बहुत special movie है. Okay, खतरों से खेलोगे आप, adventure होगी. जानना चाहूँगी shopping को लेकर कितनी excitement है उधर जाकर? पहली बार मतलब I love shopping but पहली बार shopping chilling के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है because मेरी grilling होने वाली है वहाँ पे. So there is no chilling, there is only grilling. So shopping मैंने सारी जिंदगी की है, अभी मैं shopping पे बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ. अभी मैं सिर्फ इस चीज़ पे focus है कि how I go there, do my task and win the show and come back. Okay, जाने से पहले कितने लोगों ने आपको टिप्स दिया है और क्या क्या बोला है? टिप्स तो मुझे कुछ फ्रेंड्स से टिप्स मिले हैं, लाइक विकास इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज गिविंग मी टिप्स. बट उसने बोला है जस्ट बी योरसेल्फ, हैव फन, यू गोना बी गुड. देन अर्जुन से मुझे टिप मिली है कि बिजली से बच के रहना एंड रोहित सर की सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन यू शुड हियर हिज वॉइस व्हाइल यू आर यू नो डूइंग अ टास्क बिकॉज वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है. एंड यस, सना ने भी मुझे बोला है जस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड यू कुड रॉक इट. Okay, yeah. Lastly, what do you want to say to your fans? I just wanna I want all your wishes, all your love and all your support because I'm entering the most crazy and the most difficult journey of my life. It's not going to be easy. I am going to be doing a lot of different things that I've never attempted. So yeah, aap log ki best wishes chahiye.